क्यूट लग रहा है। बताइए माँ क्या कर रहे? बेटा पहले तो तुझे ना अपने वाईफाई को। माँ वाईफाई नहीं वाइफ। अच्छा अच्छा वही वही। बेटा तुझे इस जनानी देवरी से अपनी वाइफ को ढूंढना। पर चाची इन सब ने तो घूंघट उड़ा हुआ है। अरे मले यही तो गेम है। इसमें से तुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। इससे ये पता चलेगा कि तू अपनी वाइफ को कितनी अच्छे से पहचानता है। हाँ, और हमने वरदान को भी इनमें ही खड़ा किया हुआ है। भांजे राजा अपनी वाली कोई पहचानना, किसी दूसरे को मत पहचान लेना मेरी तरह। वरना कसम से इतने जूते पड़ेंगे जिंदगी भर के लिए जूते की दुकान खुल जाएगी। हाँ। राजा चलो चलो आगे बढ़ो। स्टार्ट। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे रॉन्ग नंबर है। नॉन नंबर सब की बेशरम लड़की हो। क्या कर रहे हो यहाँ? ना मैं जानना भी नहीं चाहती। जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ। ये हमारा फैमिली फंक्शन है और यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। समझी? काकी मैं जानती थी कि आप मुझे यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगी। सच पूछे तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इन सारी रस्में सारे फंक्शंस का हिस्सा तो मुझे होना चाहिए। इस लड़की को देखकर मुझे इतना स्ट्रेस होता है ना कि इसके आते ही सुंदर की स्किन की चमक कम हो जाती है। इसे देखकर तो मेरा भी बीपी ही होता है। मन करता है अपनी वाली को बुला के एक अच्छी सी मसाज ले लूं। गलती तुम दोनों की नहीं है। ऐसी लड़की जो खतरनाक मौत के मुंह से बच के बाहर आ गई हो ना, उसको देख के किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा वो आतोष भाग गया वरना उसे यहीं दिल का दौरा पड़ जाता। हाँ मुझे तो भूख लगने लग गई है, कुछ खा लेता हूँ। अरे यार फ्री का खाना भी चोरी कर रहा है। सिक रोज रोज फ्री का नहीं मिलता है, चुरा के खाने में क्या हर्ज है। वैसे भी जो लक्ष्मी बचाता है लक्ष्मी उसे बचाती है। तुम समझ नहीं रही वरदान। आंटी मैं समझती हूँ पर अप्पू हमारे घर सच्चे दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई है। हमें उसे एक मौका तो देना चाहिए ना। मैं जानती हूँ हम सब एक दूसरे से बहुत नाराज हैं
बहुत गुस्सा है, पर जैसे गीता में कहा गया है, क्रोध और गुस्सा अपनी ही बुद्धि का नाश करता है, तो क्यों ना हम भी अप्पू की तरह सब कुछ भूल कर आगे बढ़े। हाँ माँ बोली। वरदान बेटा, क्या जरूरत थी उस अप्पू को फिर से अपनी जिंदगी में लाने की? जरूरत थी माँ, क्योंकि जितना मैं अप्पू को जानती हूँ, वो यहाँ सब कुछ भुलाकर दोस्ती करने नहीं आई है। उसके किसी प्लान का हिस्सा था ये, और उसका प्लान समझने के लिए मेरा अप्पू के करीब जाना जरूरी था। बहुत जरूरी था। उनका ये दुश्मनी भूलकर मुझे वापस अपनाना, हम सबके आगे बढ़ने के लिए। पर आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैं अपनी दुश्मनी नहीं भूली। आंटी, वो माँ का फोन आ गया था, मैं बस नीचे आ ही रही थी। सबके बीच अपनी माँ की बात भी ऐसे ही काटती हो क्या? सॉरी आंटी अगर आपको बुरा लगा, पर मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती थी, ना ही बीच में बोलना चाहती थी। वो तो अप्पू को देखकर मले बहुत ही परेशान हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, इसलिए मुझे बीच में ही आपको काटना पड़ा, वरना पता नहीं सबके सामने वो कैसे रिएक्ट करते, तो इसलिए बस। आज तो ठीक है, पर आगे से याद रखना, तुम अब मित्तल खानदान की बहू हो, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना तुम्हें सीखना होगा। पावंडे जी, आपका पंडित वाला कैरियर भी बुरा नहीं है, लक्ष्मी की पूजा भी हो जाती है और उसकी कृपा भी मिल जाती है। आप फील कर गए? रुको देते हैं। पंडित जी, कैश नहीं है, ये कार्ड चलेगा है? कोई नहीं, ये हमारी तरह से कबूल कर लीजिए हैं। हे माता रानी, आप तो भगवान हो हैं? आपको इस माया से क्या लोभ? ये माया आपके उस भक्त के पास जाए या इस सच्चे भक्त के पास, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना हैं? थैंक यू। लोभी इंसान भगवान को लूटने से भी नहीं कतराता, पर निकम मामा जी, आपका यही लोभ आपके अंत की वजह बनेगा। माता रानी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। ये सुंदर ने मेरे तीनों पे 20 पैसे बर्बाद कर दिए फोन करके। इस मक्खी की तो लाइफ बन गई मेरे दूध में गिर के, लेकिन दूध तो खराब कर दिया। लाओ। हो गया साफ। दूध की कीमत पता है? जरा सी मक्खी के पीछे इतना कीमती दूध बर्बाद कर देंगे। उस मक्खी को ऐसे क्यों फेंक दिया? उसे भी चूस लेता है? अबे दो बूंद दूध की उसमें भी थी। इतना कीमती आइडिया पहले नहीं दे सकते थे? चार बूंद दूध बर्बाद कर दिया, बड़े आए। चल ठीक है, कल सुबह याद दिलाना, आतोष को फोन करना है। अरे मैं क्यों बार बार आपको हर चीज याद दिलाऊं? मेरा छोटा भाई है, तू याद नहीं दिलाएगा तो कौन याद दिलाएगा? हर बार प्यार में पटा लेते बचपन से। डियर कस्टमर, हमारी कंपनी कॉटन कंट्री के लकी ड्रॉ के भाग्यशाली विजेता घोषित किए जाते हैं।